हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें वनस्पति के बारे में पढ़ना है और हम इस पूरी बुक के अंदर इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेनली हम पढ़ेंगे इंडिया का जो वेजिटेशन है उसके बारे में और जो इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ है यानी जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अजय और कहानी है आज नेचुरल वेजिटेशन की और जंगली जानवरों की, वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, जंगली जानवर जीव जंतु जो इंडिया के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात आती है क्या है, कहाँ पर रैंक होती है इंडिया की। तो हमारा जो देश है वो है 12वें नंबर पे। कितने पे? 12वें नंबर पे जो है बायोडायवर्सिटी में, ठीक है ना। देखो अलग अलग चीजें होती है, सबसे पहले बात करते हैं बायोडायवर्सिटी होती क्या है। इंडिया जो है 12th नंबर पे पड़ता है बायोडायवर्सिटी में, बायोडायवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये होता क्या है बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायो का तो मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है ना, जो जिंदा प्राणी है उसको बायो में, बायोलॉजी आपने सुना होगा ना, तो बायो वही होता है बायो यानी कि जिंदा चीजें, और डायवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, जो जिंदा प्राणी है उनके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, सो उसको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी के कितने टाइप के जानवर रहते हैं इंडिया के अंदर, कितने टाइप के पेड़ पौधे हैं, तो उनके हिसाब से इंडिया 12th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 12th नंबर पे, याद रखने का पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद में इंडिया ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, 10th नंबर पे आता है। किसमें? 10th नंबर पे आता है। और अगर एशिया की बात करें, एशिया के अंदर 4th नंबर पे, ठीक है ना, किसमें? 4th नंबर पे। अभी ये 10th नंबर में किस चीज में आ रहा है, एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डायवर्सिटी, किसमें? प्लांट के अंदर। देखो बायोडायवर्सिटी के अंदर दोनों चीज आएंगी, बायोडायवर्सिटी के अंदर जानवर भी आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे, लेकिन अगर सिंगल प्लांट्स की बात कर ली जाए तो इंडिया 10th नंबर पे आता है वर्ल्ड में, और एशिया के अंदर 4th नंबर पे इंडिया का जो है लोकेशन है। अभी बात कर लेते हैं कितने हैं ये, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर 47 के जो है यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है प्लांट्स की। कितनी स्पीसीज? मतलब इतने टाइप के पेड़ पौधे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें इन्हीं 47,000 में 15,000 काफी बड़ी है, तो 15,000 जो पौधे हैं वो फ्लावर की कैटेगरी के, किसके? फ्लावर की, यानी कि जो फूल हैं, मतलब 15,000 टाइप के फूल आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है याद रखने का है। सो ये था मेन बेसिक हमारा, अभी स्टार्ट करते हैं इसको पूरा डिटेल के साथ में, कि ये पॉइंट्स आप याद कर लेना। प्लांट्स में टोटल प्लांट्स की डायवर्सिटी है 47,000 और जिनमें से फूलों की कितनी है 15,000, ठीक है। सो अभी देखते हैं आगे के पॉइंट्स। तो अभी जो है यहाँ पर वेजिटेशन का आपको देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, हमारी जो वनस्पति है। कुछ इलाकों में मान लो रेतीला इलाका है तो वहां पे कैक्टस के पौधे ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, और भी काफी सारे प्लांट्स हैं पहाड़ों पर जो है अलग काइंड के प्लांट पाए जाते हैं दूसरी जगह पे अलग, लेकिन वो अलग होते क्यों, मतलब क्या रीजन है। नेचुरल जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन होती है वनस्पति, पेड़ पौधे, छोटी वनस्पति, घास वगैरह भी, ठीक है, सब कुछ काउंट किया जाएगा वेजिटेशन के अंदर। सो नेचुरल जो वेजिटेशन है इंडिया की वो काफी सारे फैक्टर्स है, क्योंकि इंडिया का आपने पढ़ा है कभी मानसून, कहीं पे ठंड, कहीं पर गर्मी, कहीं पे रेगिस्तान, पता नहीं, सब कुछ इंडिया के अंदर भरा हुआ है। सो यही वो वजह है कि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। सो सबसे पहला आता है रिलीफ, रिलीफ, ठीक है ना, RELIEF, ठीक है। रिलीफ के अंदर दो चीजें आनी है अपनी, ठीक है, एक तो आता है लैंड, ठीक है, लैंड यानी कि जमीन, और उसके बाद में मिट्टी, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ एक पार्टिकुलर इलाके के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज है यहाँ पे, कुछ पौधे पार्टिकुलर इलाके के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर मिट्टी के अंदर उगते हैं। देखो जैसे कपास का पौधा है वो आप जो है कोई दूसरी सॉइल पे नहीं उगा सकते, उसको उगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल चाहिए होगी, और ब्लैक सॉइल मतलब सॉइल की कैटेगरी आ गई हमारे पास में कि आपको अगर उगाना है ये पौधा तो आपको ब्लैक सॉइल चाहिए होगी, वो दूसरी सॉइल एलुवियल रेड कोई भी सॉइल नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल चलेगी। वैसे ही लैंड का होता है जमीन का, ठीक है ना, कहाँ पे है वो, उपरेटिव, पठार, धरती पे, नीचे, हाइट, ग्राउंड लेवल, सब कुछ देखा जाता है उस प्लांट के लिए। कि देखो कुछ पौधे हैं जैसे वो आपने देखे होंगे कौन से जो पौधे होते हैं
ठीक है, वो मोस्टली पहाड़ों पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो पहाड़ों पर मतलब उनका एक टारगेटेड पॉइंट है, वो पहाड़ों पर ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनको डिजायर्ड शेप है, वहां पर वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और इसके बाद में देखते हैं दूसरा आता है हमारे पास में, पहला हो गया रिलीफ, रिलीफ के अंदर दो पॉइंट है, लैंड और सोयल का, दूसरा है क्लाइमेट, ठीक है ना। तो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा भी था क्लाइमेट को लेके, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। सो अभी जो है क्लाइमेट के अंदर क्या चीजें आएंगी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है कि कहां पर गर्मी है कहां पर सर्दी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएट किए जाएंगे वनस्पतियों को, ठीक है। जहां पे गर्मी होगी वहां पे अलग पौधे, क्योंकि गर्मी है तो इसका मतलब वहां पर पानी की कमी होने वाली है, तो टेम्परेचर सब कुछ मैटर किया जाएगा। उसके बाद में आता है सनलाइट, ठीक है, आप इसको फोटो पीरियड भी बोल सकते हो, यहाँ पे फोटो पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है, फोटो पीरियड, तो यहाँ पे फोटो पीरियड बोलो या फिर सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट से भी समझ जाओगे। देखो क्लाइमेट, अभी कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सन जो है नहीं निकलता, कुछ इलाकों में सन कम टाइम पे निकलता, मतलब धूप कम आती है, कहीं पर धूप ज्यादा आती है, तो वो मैटर करता है पेड़ की ग्रोथ में। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि गर्मियों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो फास्टली ग्रो करते हैं सर्दियों के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि वहां पर फोटो पीरियड उनका बढ़िया होता है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा धूप उनको मिलती है इसीलिए वो फास्टली ग्रो कर पाते हैं। अभी वो ऐसे ही टेम्परेचर के ऊपर मैटर करता है, जहां पर पहाड़ी इलाके है वहां पर आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे उनकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, जहां पर थोड़ी गर्मी होगी वो फास्टली ग्रो होंगे पेड़ पौधे। तो ये चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे जो है दो वर्ड हो रहा है आपको देखने के लिए, एक वर्ड आता है अल्पाइन, अल्पाइन को समझ लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे तो ये अल्पाइन होता क्या है, अल्पाइन वो मतलब पेड़ पौधे की कैटेगरी होती है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग है हर चीज के लिए, है ना। तो जो अल्पाइन नाम का जो मतलब एक कैटेगरी बना रखी है हमने, चार कैटेगरी बनाई है टोटल, एक ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। तो यहाँ पे मेन है अल्पाइन, तो अल्पाइन के अंदर जो है यहाँ पर बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर, ठीक है ना, तो एटमैक्स 7 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको अल्पाइन, उस कैटेगरी के जो पेड़ पौधे होंगे वो अल्पाइन के अंदर जाएंगे, और अल्पाइन यानी कि पहाड़ी इलाके जहां पर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय, तो वहां पर जो हिमालयन रेंज है वहीं पर ये पौधे पाए जाएंगे, कहीं और तो बर्फ बनता नहीं है, ग्लेशियर्स बनते नहीं है, तो वही एक ऐसी जगह है तो वहां पर अल्पाइन नाम के पौधे पाए जाते हैं, बाकी कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही टेम्परेट होता है, टेम्परेट इससे आगे जाओगे 7 डिग्री सेल्सियस से लेके 7 से लेके 17 तक है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में ये। उसके बाद में जो अगर सब ट्रॉपिकल में जा रहे हो तो 17 से लेके 24 तक है, और अगर इससे आगे जाते हो तो 24 से अबव जितना भी जा रहे हो वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे प्रीसिपिटेशन, तो यहाँ पे देखते हैं अभी प्रीसिपिटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको। सो यहाँ पे देखोगे अभी तो हमने दो चीजें पढ़ ली क्लाइमेट के अंदर, क्या क्या पढ़ा है, फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट कितनी आ रही है, कितनी गर्मी है वहां पे, और एक और पॉइंट आता है प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, तो ये प्रीसिपिटेशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट एंटायर रेनफॉल इन इंडिया यानी कि समझ सकते हो जहां पर रेनफॉल, रेनफॉल बहुत मैटर करती है। देखो ये है हमारे मेन 5 पॉइंट जो कि किसी भी चीज को वैरी करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पॉइंट है जो कि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में होने के लिए, ठीक है। अभी दोबारा से एक बार समझाता हूं मैं, रेनफॉल वाला तो समझ में आ गया होगा आपको वैसे ये चीज भी। तो यहाँ पे देखो सबसे यहाँ पे आप रिलीफ और क्लाइमेट को अगर भूल भी जाते हो, यहाँ पे इनकी सब कैटेगरी है, मेन पॉइंट हमारे ये है 5, ठीक है ना। अगर एक तो होता है जमीन, ठीक है ना, जमीन का मतलब है कि कितनी हाइट है जमीन की सी लेवल से, पहाड़ के ऊपर अलग टाइप के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है, गहराई में अलग, समुद्र के अंदर अलग पाए जाएंगे, वो चीजें आएंगे, ठीक है। उसके बाद में मिट्टी, कोई पेड़ है उसके लिए कैसी मिट्टी बढ़िया है, किसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकता है वो, तो वो मिट्टी मैटर करती है उसके लिए। उसके बाद में होता है प्रीसिपिटेशन यानी कि अगर जहां पर बारिश हो रही है वहां पे पेड़ जल्दी ग्रो होगा क्योंकि पानी की जरूरत होती है प्लांट को। सो वो हर एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, रेनफॉल आपने देखा है क्लाइमेट के अंदर आया पिछले चैप्टर में, तो कुछ इलाके ऐसे है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, कुछ ऐसे है जहां पर बारिश कम होती है, तो उसके हिसाब से ये प्रीसिपिटेशन वैरी करता है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो वैरी करती है, ठीक है। तो वो पॉइंट है ये प्रीसिपिटेशन वाला। उसके बाद में आता है टेम्परेचर यानी कि गर्मी, कुछ इलाकों में गर्मी ज्यादा दिनों तक रहती है,
ठीक है, कुछ में गर्मी कम होती है वो चीज है। उसके बाद में आता है सनलाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सनलाइट को लेके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का कोई हिमालयन की रेंज हो गई, कोई भी हिमालयन की रेंज, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो अगर वो जो है पेड़, एक पेड़ है साउथ की साइड में और एक पेड़ है हमारा नॉर्थ की साइड में, ठीक है, एक पेड़ है साउथ मतलब एक ही हिमालय, हिमालय का एक पहाड़ है हमारा बड़ा, ठीक है, एक उसके पेड़ नॉर्थ में लगा हुआ है, एक साउथ में लगा हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं कि साउथ वाले पेड़ की ग्रोथ ज्यादा होती है उसी पहाड़ पे, वही से मतलब लैंड भी वही, सोयल भी वही, ठीक है ना, बारिश तो होनी वहां पे वैसी है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी वही रहना है, पहाड़ सेम है, तो यहाँ पे जो है वो इस कंडीशन में पूछ सकते हैं कि जो साउथ साइड का पेड़ है वो जल्दी ग्रो होता है एज कम्पेयर नॉर्थ साइड के पेड़ के, क्यों, तो उसका मेन सा रीजन होने वाला है फोटो पीरियड, क्योंकि जब सन आता है तो सीधा इस साइड में पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में सन जैसे घूम के जाएगा, ठीक है, तो जब घूम के जाता है सन उसके साइड में, तो जो पीछे जो नॉर्थ की साइड में है तो वहां पर जो धूप है वो बहुत ज्यादा कम मिलेगी, ठीक है ना, और कम धूप, कम सनलाइट इज इक्वल टू कम ग्रोथ होगी पेड़ की, ठीक है, तो ये सिस्टम है। और उसके बाद में आता है एक वर्ड हमारे पास में, ये सारे पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है, और अगर कोई डाउट है तो हमें साथ के साथ बता देना, आपके सारे सॉल्यूशन, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं इकोसिस्टम को, तो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इको आपने इकोनॉमी पढ़ा है, इकोनॉमी की बुक भी आई है आपके में ना, तो इको वही है, इको मतलब आर्थिक स्थिति, सिस्टम वहां पर आर्थिक स्थिति कैसी है उनकी, ठीक है ना, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। प्लांट ऑक्यूर इन अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन एरिया, मतलब कुछ पेड़ पौधे कहीं पर ग्रो हो रहे हैं, कोई कहीं पर ग्रो, हमने पांच पॉइंट अभी पढ़े हैं रिसेंटली, ठीक है ना, वो पांच पॉइंट मैटर करते हैं एक पेड़ की ग्रोथ में, ठीक है ना, कि किस इलाके में कौन सा पेड़ होगा, तो वो है इकोसिस्टम, मतलब किस इलाके में कौन सा पेड़, पार्टिकुलर पेड़ इस इलाके के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है ना, मतलब हमारे पेड़ की जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि इस पहाड़ पर ये पेड़ मिलता है, वहां पर ये पेड़ मिलता है, ठीक है, तो वो चीज सब कुछ इसके अंदर आता है इकोसिस्टम के अंदर, मतलब जैसे एक सिस्टम है पूरा, और वहां पर अलग अलग मतलब पहाड़ पे ये पेड़ होता है, वहां पे ये होता है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर ये मिलेगा, वो पेड़ समुद्र के अंदर नहीं उग सकता, ठीक है, वो सारी चीजें, तो वो क्या होता है हमारा इकोसिस्टम होता है। सो ये थे आपके, और इसके बाद में आता है टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, अभी तक हमने फैक्टर्स को पढ़ा, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक प्लांट की ग्रोथ में, कि प्लांट कहां पे जाने वाला है, ठीक है, अभी प्लांट जहां पे चला गया कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हमारे पास में पांच टाइप के आते हैं, कितने के, पांच के, तो पहला था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जहां पर टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, मतलब पहाड़ से नीचे ही होगा, ऊपर पहाड़ के ऊपर तो कभी गर्मी ज्यादा होती नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल। उसके बाद में रेन फॉरेस्ट, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, कौन से, एवरग्रीन, एवरग्रीन, एवरग्रीन क्यों बोला जाता है, मतलब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने पत्ते कभी नहीं गिराते, कभी नहीं गिराते, तो उन पेड़ पौधों को बोला जाता है एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, मतलब एक पूरा जंगल है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनके पत्ते कभी गिरते ही नहीं है, हमेशा पूरे मतलब पूरे साल भर उनके पत्ते हरे रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेन फॉरेस्ट या फिर एवर ग्रीन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, समझ गए, और ये वो इलाका होता है, ये प्लांट्स वहां पे पाए जाएंगे जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। देखो अभी इंडिया के अंदर आपने पढ़ा है क्लाइमेट चैप्टर, अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अभी जब इंडिया के अंदर मॉनसून आता है तो सबसे पहले कहां पे आता है, तो वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, और वेस्टर्न घाट पे जैसे ही मानसून आया तो जिस साइड से मानसून आया, क्योंकि दूसरी साइड बारिश कम होनी है, लेकिन जिस साइड से मानसून आया वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, रेन फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा जब रिटर्निंग मॉनसून होता है अरुणाचल प्रदेश के पास से लौटता हुआ मानसून आता है, तो वहां पर वो बादलों का मैंने बताया था आपको कि एक पेनिनसुला है वहां पे, वो जो कंबाइन कर देता है सारे बादलों को, भागने नहीं देता जब तक कि वो एटलीस्ट इतने हल्के ना हो जाए कि वो उसके ऊपर से फ्लो करके ना चले जाए, तो वो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर भी कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट,
ठीक है। उसके अलावा आपने देखा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरी नामक ट्री, वो कैसा एवरग्रीन ट्री है वो भी, ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट है वो भी, ठीक है ना, वो पूरा सुंदरवन, क्योंकि वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, साथ में ब्रह्मपुत्र, साथ में जो है सांको नदी का भी, ठीक है ना, और गंगा का जो है पानी वहां पर आता है। तो वहां पर मतलब दो इलाके मैंने आपको मेन बता दिया है, एक तो वेस्टर्न घाट का और एक जो हमारा ईस्ट इंडिया का जो ईस्ट है, ईस्ट में जितने भी स्टेट आते हैं वो सारों में बारिश बढ़िया होती है। तो वहां पर कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, तो इनको देखते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट कौन से होते हैं अभी, ठीक है ना, डिसीडियस, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, देखो ये वो पेड़ पौधे होते हैं जो आपको अपने अराउंड में दिख जाएंगे। आपको अगर आप एक नॉर्थन इलाके में रह रहे हो, नॉर्थ की साइड में प्लेन इलाके में, तो वहां पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, बांस के पेड़ पौधे, साल, शीशम, ठीक है ना, जो नीम होता है, ये सारे पेड़ पौधे, अमरूद, ठीक है ना, ये सारे नॉर्मल जो आपको प्लेन एरिया के अंदर दिख जाएंगे वो होते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। और इंडिया के अंदर बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, क्योंकि इंडिया का मोर्थन मतलब मोस्ट ऑफ द जो इलाका है वो कैसा है, प्लेन है, ठीक है ना, और जहां पर पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ पर या तो रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा आगे भी दिखाएंगे हम कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। और मेन सबसे बड़ा इलाका कवरेज है इनसे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से, इंडिया का मोस्टली हिस्सा इन्हीं से कवर किया गया है, ठीक है, पूरा यूपी, हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, नीचे मध्य प्रदेश, और भी काफी सारे स्टेट्स हैं जो कि आप अपनी बुक के अंदर, मैप के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है वो फॉरेस्ट, आपको एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझ के हो गए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी दे दिया था सुंदरी नाम का पेड़, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आते हैं, तो ये होता है थॉर्न फॉरेस्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ये क्या होते हैं अभी, देखो द थॉर्न फॉरेस्ट ये वो इलाका होता है, बहुत ही रेयर, मतलब रेयर तो नहीं बोलेंगे हम, वो बहुत ही लिमिटेड इलाका है जहां पर ये फॉरेस्ट पाया जाएगा। ये हालांकि फॉरेस्ट नहीं होता बट बोलने के लिए फॉरेस्ट बोला जाता है। ये वो इलाका होता है जहां पर रेत ज्यादा होता है, जैसे राजस्थान, इंडिया के अंदर राजस्थान बड़ा एग्जाम्पल है, बिगेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पर क्या मिलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि कैक्टस के पौधे, ठीक है ना, कटीले पौधे जहां पर पाए जाएंगे तो वो होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है ना, कांटों वाले पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मैप के अंदर देखते हो तो इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारा इंडिया है, देखोगे इंडिया को यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो इंडिया का अभी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब इंडिया का ये वाला हिस्सा है, इधर से आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो यहाँ वाला हिस्सा है जो बीच में, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में बारिश नहीं होती। देखो राजस्थान का ये हिस्सा पूरा कवर है हमारा, ठीक है, उसके अलावा बीच के हिस्से में बारिश कहाँ होती है, उधर से बारिश आ रही है, ईस्टर्न घाट ने रोक ली, इधर से बारिश आई, वेस्टर्न घाट ने रोक ली, बीच में पानी बरसेगा नहीं तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ज्यादा सूखा तो नहीं पड़ता, हालांकि बारिश कम होने की वजह से वहां पर भी कटीले पौधे पैदा होते हैं, ठीक है ना, सूखा रहता है मोस्टली इलाका, तो उसको बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद में एग्जाम्पल तो मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया, कैक्टस का एग्जाम्पल बेस्ट है इसमें। और ये वो इलाका होता है, देखो यहाँ पर इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या जानवर पाए जाते हैं, रैट्स, चूहे पाए जाते हैं, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, ठीक है ना, हॉर्सेस, कैमल्स, कैमल्स तो आपने देखे होंगे राजस्थान के अंदर, ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा टाइगर, लायंस वगैरह ये चीजें पाई जाती है, चूहे पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ टाइप का फॉरेस्ट, जो कि है माउंटेन फॉरेस्ट। कौन सा, माउंटेन, माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट बहुत ईजी है समझना, बहुत ज्यादा इजी, माउंट आप समझ लेना, माउंटेन मतलब कैसा लग रहा है आपको, माउंटेन फॉरेस्ट है ना, ऐसा ही लग रहा है ना, तो ये वही फॉरेस्ट है जो माउंटेन्स के ऊपर पाया जाता है। ये रेन फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, अभी देखो
ये तो आपको प्लेन में मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको प्लेन में मिलेगा। रेन फॉरेस्ट हो सकता है पहाड़ के ऊपर बारिश हो, लेकिन कहां जाएगी, वो नीचे जाएगी। तो मोस्टली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पहाड़ की खाइयों में मिलेंगे, लेकिन जो पहाड़ के ऊपर भी तो पेड़ होते हैं, ठीक है ना, तो वो पेड़, उन पेड़ों को बोला जाता है माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, हिमालय के ऊपर पाए जाएंगे मेनली, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, और इनको जो है आपको पता ही है ये कोनिकल शेप के अंदर पाए जाते हैं, कोनिकल शेप, ठीक है, इस वाली शेप के अंदर ये पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के पेड़ ये पाए जाते हैं, क्योंकि हाइट होती है माउंटेन के ऊपर और वहां पर बारिश होती रहती है नॉर्मली, ठीक है ना, तो वो बारिश और स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा होती है पहाड़ों के ऊपर, अगर हाइट ज्यादा है तो उससे बचने के लिए इन पेड़ों का कुछ शेप भी ऐसे बना दिया जाता है, मतलब अपने आप बन जाता है। तो इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कश्मीर का बता रखा है कि कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं मेनली इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाइल्ड शीप पाई जाती है, जानवरों की बात की गई है, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, सैलिकॉन, वाइल्ड बैक्स, बियर, मतलब देखो भालू, भालू तो आपने सुने होंगे, भालू बहुत आसानी से समझ सकते हो, पहाड़ों के ऊपर जहां पर बर्फ गिरती है वहां पे बर्फ में भालू पाए जाते हैं, इजीली याद रख सकते हो, भालू एक ऐसा जानवर जो पहाड़ों पर ही पाया जाएगा जहां पर बर्फ गिरती है मेनली, ठीक है। तो वो माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर पेड़ पौधे मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं और भी कुछ नाम दे रखे हो, तो देखो यहाँ पर मेन मेन नाम तो इन्होंने दे रखे हैं, सिल्वर फिर का, ठीक है ना, जूनिपर्स का, पाइन्स, ठीक है ना, पाइन्स वो पत्ते नहीं होते, उसमें धागे से टाइप का पेड़ होता है, ठीक है। अब मोस्टली आजकल तो जो है नॉर्थन इलाके में गमलों के अंदर उगाने लग गए उनको, ठीक है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बाकी वो अगर पहाड़ के ऊपर, क्योंकि उनको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाती, जो हमने फैक्टर्स पहले पढ़े थे ना, अगर वो फैक्टर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, यही वजह है वो प्लांट्स बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अभी लास्ट आता है हमारे पास में, वो है मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो अभी हमने सारी, मतलब इंडिया का अगर देखोगे तो इन चार फॉरेस्ट के अंदर इंडिया का मोस्टली हिस्सा कवर हो चुका है, रेन फॉरेस्ट, बारिश वाला इलाका, प्लेन वाला इलाका, सूखा इलाका और पहाड़ी इलाका। अभी ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे फिर, ठीक है ना, तो ये वो इलाका होता है जो नदी के किनारे पर, क्योंकि नदी के किनारे पर आपने, आपको पता है नमी ज्यादा होती है और हर समय नमी रहती है, तो आपने देखा होगा जैसे बड़ का पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी टहनियां लटकने के बाद में और वो टहनियां जड़ बन जाती है उसकी, ठीक है ना, उसका सपोर्टिव का काम करती है, तो वो प्लांट्स पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना, और ये मोस्टली नदी के किनारे पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेन मैंग्रोव ट्री के एग्जांपल देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल है, ये पाए जाते हैं मेनली गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये बड़ी नदियां है ना हमारी इंडिया की, तो इन नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनमें अर्जुन का पेड़ है, ठीक है, और ये मशहूर है, देखो जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वहां पर जो है क्या है, वहां पर नदियों का किनारा ही तो है, मतलब डेल्टा है मतलब नदियों का किनारा है, ठीक है। ये मेनली यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर रॉयल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना, जो कि इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, पाल्म, कोकोनट, कोयरा, अगर, ठीक है ना, तो ये जो है प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जानवर की बात की जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना, स्नेक्स भी पाए जाते हैं कुछ कैटेगरी के, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद में आता है, ये पूरा हमारी नेचुरल वेजिटेशन हो चुकी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, पांच टाइप के प्लांट्स हमने पढ़े, पांच टाइप के हमने फैक्टर्स पढ़े जो अफेक्ट करते हैं हमारी नेचुरल वेजिटेशन को। ये पांच पॉइंट देखो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रेन फॉरेस्ट, जो कि आपको मस्ट याद करना है, डिसीडियस फॉरेस्ट एग्जांपल मैंने सारों के बता दिए हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सा पेड़ कहाँ पे है, कौन सा जंगल कहाँ पे है, ठीक है ना, तो आप इजिली बता सकते हो, ठीक है, कि कौन सा प्लांट कहाँ पे, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे ये प्लांट होता है, ठीक है ना। सो अभी देखते हैं आगे अपना, देखो नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो चुकी है और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है वाइल्ड लाइफ को लेके, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ का, ज्यादा बड़ा नहीं है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, ठीक है, जंगली जीवन जो जंगलों के अंदर रहते हैं उनका जीवन। तो इंडिया जो है, एक पॉइंट बता देते हैं आपको, कीप इन माइंड कि इंडिया जो है वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जहां पर लायन और टाइगर दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं,
मोस्टली देश के अंदर या तो लायन मिलेगा या फिर टाइगर, एक ही मिलेगा उनमें से। इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहां पर लायन भी मिलता है टाइगर भी मिलता है, ठीक है ना। सो अभी चलते हैं यहां पर, तो इंडिया के अंदर जो है 120 बर्ड्स, तो इंडिया के अंदर कितने 120 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है, बर्ड्स की स्पीसीज, ठीक है ना, 120 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाएगी। उसके अलावा जो यहां पर देखोगे तो एनिमल की स्पीसीज बहुत ज्यादा है, 89,000 इतने सारे एनिमल्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, 89,000 एनिमल्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी मेन मेन, तो यहाँ पर तीन वर्ड आ रहे हैं हमारे पास में, और इन तीन वर्डों को समझते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। तो क्योंकि ये तीनों चीजें यहां से बस यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये ज्यादा कुछ हाई उसका नहीं है, मतलब हाई कॉम्पिटिशन का नहीं है। सो यहाँ पे देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी SAM, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, देखो वाइल्ड लाइफ में तो आपको समझ ही आ गया होगा, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा इलाका होता है जो जंगली जानवर, देखो जहां पर वाइल्ड लाइफ वर्ड आ गया वो संरक्षित, सेंचुरी होती है एक संरक्षित इलाका जहां पर इंसानों का जाना इलीगल है, मतलब जा नहीं सकते इंसान वहां पर जानवरों का जाके, क्योंकि पहले क्या था जानवरों का शिकार करते थे और जिसके चलते बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की जो खत्म हो गई। सो इसीलिए जो है उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। ये वो इलाका होता है जहां पर जानवरों का शिकार करना इलीगल है, जानवरों को देखना, फोटो खींचना, मतलब जानवरों के पास जाना, क्योंकि खुला एक तरीके समझ लो कि वहां पर इंसान नहीं जा सकते, वो इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, ठीक है। काफी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के अंदर, जैसे कोरबोट कोरबेट है, ठीक है ना, रणथंभौर, ये तो नाम सुना ही होगा, शिवपुरी, तबोरा, कान्हा, ठीक है ना, और यहाँ पर कान्हा के अंदर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। सो ये है मेन मेन से मैंने बता दिया है। अभी देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है वो है बर्ड सेंचुरी। तो ये बर्ड सेंचुरी क्या होती है फिर, देखो बर्ड ये वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर कुछ भी जानवर जीव जंतु एनिमल्स, ठीक है ना, ये बर्ड के लिए संरक्षित इलाका जहां पर बर्ड आते हैं, ठीक है ना, अपना प्रजनन करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या होते हैं माइग्रेशन करके इंडिया के पास में आते हैं, वहां पर गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जब चलती है तो बर्ड जो है अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आते हैं, और बहुत सारे जो है दूसरे देश के पक्षी इंडिया के अंदर आते हैं। सो उनके वो जो बर्ड है उनके लिए संरक्षित इलाका कर रखा है ताकि कोई उनको जो है पकड़ ना सके, ठीक है ना, उनके क्योंकि स्मगलिंग होती है, इलीगल काम होते हैं उनके थ्रू, सो उनसे उनको बचाने के लिए जो है बर्ड सेंचुरी बना रखी है, ठीक है ना। ये वो इलाका है जहां पर बर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अभी आते हैं नेशनल पार्क, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, ये वो इलाका होता है जो नेशनल ने पार्क के रूम में, मतलब वहां पर जानवरों को कैद करके रखा जाता है, यहाँ पर जानवरों को ना तो कुछ, मतलब जानवरों को नहीं पता, आराम से वो पूरे जंगल में घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत सोचना कि नेशनल पार्क बहुत छोटा होता है, यहाँ पर कैद किया जाता है लेकिन काफी बड़े इलाके के अंदर कैद किया जाता है, यहाँ पर वो खुले घूम सकते हैं, कहीं पर जाए कुछ करे, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा इलाका होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज कम्पेयर की नेशनल पार्क के, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क एक छोटा इलाका होता है जिसके अंदर वो प्रजातियों को रखा जाता है जो बिल्कुल ही खत्म होने का, मतलब एक या दो ही बचे है उसके वर्ल्ड के अंदर वो स्पीसीज, तो उनको जो है यहाँ पर सेव करके रखा जाता है नेशनल पार्क, और यहाँ पर जाकर आप जानवरों को देख सकते हो, ठीक है ना, उनके साथ फोटो वगैरह खींचना तो खींच सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास में आता है जू, ठीक है ना, जू जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं, जहां पर चिड़िया के अलावा बहुत सारे जानवर मिलते हैं आपको, जू एक ऐसा इलाका जहां पर आपको स्पेशल इसीलिए बना रखा है ताकि वो जानवर क्योंकि एक्सट्रीम तो होने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप उनको एटलीस्ट एक बार देख सको कि ये जानवर है और ये खत्म हो सकते हैं, तो बहुत सारी स्पीसीज है जो खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है, तो खत्म होने वाली जो स्पीसीज है मतलब बहुत खत्म होने के बिल्कुल मतलब दो चार ही बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको तो सेव किया जाएगा नेशनल पार्क के अंदर या फिर जू के अंदर, ठीक है ना, और उनकी ज्यादा केयर की जाती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो जानवर रहते हैं जिनकी संख्या भी बची हुई है, मतलब 500,000 तक बचे हुए हैं, तो उनको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जानवर एक दूसरे का शिकार भी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करने देंगे क्योंकि बचा ही एक है, और अगर उसका शिकार कोई करके ले गया तो वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, सो इसीलिए उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो है आप देखोगे नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क जो नीचे साउथ के साइड में है मोस्टली, ठीक है ना,
ऊपर नॉर्थ की साइड में नहीं है नेशनल पार्क, बहुत कम नेशनल पार्क है, छोटे मोटे होंगे कोई, ठीक है ना, जो मेन है वो नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर 14 बायो रिजर्व्स है। बायो रिजर्व्स यानी कि वो इलाका जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, उसको बायो रिजर्व बोलते हैं। ये सारी चीजों में भी जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये सारे बायो रिजर्व है। लेकिन मेन बायो रिजर्व, बड़े बड़े बायो रिजर्व कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है सुंदरवन, ठीक है ना, जो कि कलकत्ता के पास में है, जिसका एरिया आप देखोगे तो 7000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो काफी बड़ा इलाका है, ठीक है। यहाँ पर सभी जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, कोई किधर जाए, किसी का शिकार करे, कुछ करे, ठीक है। तो ये एक बायो रिजर्व है जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। रॉयल बेंगल टाइगर जो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ सुंदरवन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा इलाका है, वहां पर जाकर वो शिकार भी कर सकते हैं दूसरे जानवरों का, ठीक है, तो क्योंकि उनकी प्रजाति अभी बची हुई है। और इसके अलावा काफी सारे है, गल्फ ऑफ मन्नार, दिलम नगरी, नंदा देवी, ठीक है ना, तो काफी सारे हैं। और यहाँ पर आज के इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको नेचुरल वेजिटेशन के पॉइंट्स एंड जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में चार पॉइंट्स थे, ठीक है, ये समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से तो हमें अभी कमेंट अप करिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो अभी चलते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन पे। सो अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबड़ बिलोंग टू, जो रबड़ का पौधा है वो किस टाइप की वेजिटेशन से बिलोंग करता है, तो वो पौधा बिलोंग करता है हमारा, यहाँ पे काफी चार ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एवरग्रीन का, ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट है उनका ये, ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर आता है रबड़ का प्लांट। तो दूसरा पार्ट है इसका, किंचोना ट्री आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल मोर देन, तो वो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर के इलाके में ही वो पाया जाएगा, ठीक है, जहां पर रेनफॉल जो है मीडियम होती है वहां पे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड, तो ये जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसकी जो है हमें लोकेशन बतानी है, ये पड़ता है हमारा उड़ीसा के अंदर। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व, यानी कि देखो अगर जो इंडिया के अंदर जो बायो रिजर्व है वो वर्ल्ड के अंदर भी वैल्यू दी गई है, लेकिन एक बायो रिजर्व ऐसा है इनमें से चार ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू नहीं है वर्ल्ड के अंदर, तो वो है धाम दिबांग, ठीक है ना। तो इसके बाद में आता है मेन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको समझना है, याद करना है, पहले क्वेश्चन में तो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, जो सही से क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा मैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिस्टम विच कंपेराइज द फिजिकल एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर इन, मतलब उसके अंदर जो जिंदा प्राणी रहते हैं उनका कंपैरिजन, ठीक है ना, इकोसिस्टम जो भी रह रहे हैं सब कुछ चलता है उसको, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, व्हाट फैक्टर आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया, तो हमने जो शुरुआत में फैक्टर्स पढ़े थे पांच फैक्टर्स, कौन कौन से थे, टेम्परेचर, लैंड, सोयल, ठीक है ना, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रिलीफ, ये सारी चीजें। तो ये था हमारा यहाँ पे जो डिपेंड करता है, जहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है, फ्लोरा होते हैं मेनली ये पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनको फ्लोरा फाउना बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में आता तीसरा पार्ट है, व्हाट इज बायो रिजर्व, गिव टू एग्जांपल, तो बायो रिजर्व क्या है, बायो रिजर्व इज अ मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एवरी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब जो समझते होगे, यानी कि नेचुरल अवस्था जैसे वो रहते हैं नॉर्मली, तो वैसे ही उनको छोड़ा जाता है वहां पे। तो यहाँ पे नंदा देवी है उत्तरांचल में, नोकरा मेघालय में, ठीक है ना, तो ये दो एग्जांपल भी दे दिए इन्होंने। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना, हमें जो है दो एनिमल्स बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल में भी मिलेंगे और माउंटेन में भी, मतलब एनिमल्स और वेजिटेशन, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल के अंदर है वो हैबिटेट है, ठीक है, एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, इनके बीच में डिफरेंस बताना हमको, ठीक है। तो ये एक तो रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल वाले, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हमें फॉरेस्ट की कैटेगरी बता देनी है, वैसे यहाँ पे जो है इनके अंदर पाए जाने वाले जानवर बताने, मतलब तो पांच टाइप के हमने पढ़े थे ना फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है ना, तो उसमें जो पांच टाइप के फॉरेस्ट थे तो वो फॉरेस्ट एक साइड में लिख देने हैं, और उनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, मतलब रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज आपको वहां पे लिखनी है इसको आंसर में, ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा जो है टर्म यूज की जाती है प्लांट्स के लिए और फाउना यूज की जाती है एनिमल्स के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है इनके अंदर, साथ में आप एग्जांपल दे सकते हो प्लांट्स के एंड एनिमल्स के अलग अलग। तो दूसरा पार्ट है इसका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, तो इनके बीच में मैंने पूरा पॉइंट सही से क्लियर किया है। सो ये देखो अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया
एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाइट वालों को बताना हमें, ठीक है ना। हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों के ऊपर कौन सी पाई जाती है माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है ना, वो वाली बतानी है उसमें, थोड़ा सा बता देना हमें, डिस्क्राइब करना है। उसके साथ में मैंने अल्पाइन का बताया था, ठीक है ना, जिनका टेम्परेचर जो 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उस इलाके में पाई जाती है अल्पाइन नाम की वनस्पति, ठीक है। तो वो चीजें है यहाँ पे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, कुछ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज बतानी है प्लांट्स की जो खत्म होने को है, वैसे ही जो है मतलब खतरे में है, खत्म होने को ही समझ सकते हैं, खतरे में है वो स्पीसीज, और क्यों है, ठीक है ना। तो प्लांट्स के अंदर मैनी प्लांट्स हैव बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज़ द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, पेड़ पौधों को काटा जाता है उसकी वजह से वो खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। उसके अलावा क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, शहर बनाने में जो है मतलब डिसएडवांटेज है ये, ठीक है ना। उसके बाद में जो है एनिमल्स के अंदर देखे तो एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स खत्म होने को, मतलब कुछ पेड़ पौधे की प्रजाति खत्म होने को है, कुछ जानवर खत्म होने को, लेकिन क्यों, रीजन क्या है उसका। तो रीजन आप बता ही सकते हो कि इसके पर्पस के लिए हम जो है जानवरों का शिकार करते हैं और वैसे ही जो है प्लांट्स का शिकार करते हैं, यानी प्लांट्स की कटिंग करते हैं, ठीक है ना। अभी छठा क्वेश्चन है, व्हाई हैज इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एनवायरमेंट है, डिफरेंट मतलब एक क्लाइमेट डिपेंड करता है ना, तो क्लाइमेट बढ़िया है यहाँ का। तो ये आपके इस पूरे चैप्टर में अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने 5 टाइप के फॉरेस्ट बताए थे आपको, 5 टाइप के, ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट, डेसर्ट फॉरेस्ट, ये वो वाले। तो वो वाले जो है पांचों के पांचों आपको याद करने हैं, उसके साथ में उसके एग्जाम्पल्स, यानी कि उनके अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उसके अंदर पेड़ कौन से पाए जाते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर से, वो वाले पॉइंट, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ, मतलब सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज फौना, तो ये सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, तो ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट अप करिए, हम आपके सवाल का जरूर से जवाब देंगे। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, और अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, जाओ सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट एटलीस्ट अपने टॉपिक से रिलेटेड मिस ना कर सको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।